जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक साइटोकाइनेसिस, और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे अबाउट द साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल। देखिए, बहुत बार मैं ये समझा चुका आपको, एनिमल्स प्लांट्स दोनों में साइटोकाइनेसिस है डिफरेंस, तो आज उसके डिफरेंस की बात करेंगे। इसके अलावा वी आर ऑल्सो गोना टॉक अबाउट द फ्रेगमोप्लास्ट एंड द क्लीविज फरो, कि इन दोनों प्रोसेसेस में बुनियादी फर्क क्या है। देखिए, आज आगे चलने से पहले मैं चाहता ये हूं कि जो प्रीवियस लेक्चर में कुछ चीजें हमने पढ़ी हैं उनको हम रिवाइज कर लें, उनको अंडरस्टैंड कर लें। आई होप आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस पढ़ा था, और उसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि उसके चार फेजेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, जिसके थ्रू एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बनते हैं और उसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है। हमारा आज का मेन टॉपिक साइटोकाइनेसिस ही है बेटा, बट मैं चाहता ये हूं कि साइटोकाइनेसिस से पहले हम अपना प्रीवियस वर्जन ऑफ द कैरियोकाइनेसिस जरा रिवाइज कर ले, हमें आइडिया हो जाए हम किस स्टेज पे हैं। ठीक है जी, तो कहानी शुरू हुई सेल साइकिल की इंटरफेस से, इंटरफेस के बाद हम आ गए कैरियोकाइनेसिस में। अब कैरियोकाइनेसिस का सबसे पहला फेज होता है इंटरफेज, और इंटरफेज में कुछ चेंजेस होती हैं। क्या चेंजेस हैं, आइए जरा अंडरस्टैंड करते हैं। क्रोमेटिन चेंज हो गया क्रोमोसोम्स में, ये पहली चेंज, सबसे बड़ी चेंज। जो क्रोमोसोम है उसके दो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स, उसके बाद उस सिस्टर क्रोमेटिड के साथ जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, वो डिसअपियर हो जाता है। इसी तरह प्रोफेज के दौरान जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, सेंट्रोसोम से, सेंट्रियोल से ये बनना शुरू हो गए, क्रोमोसोम बन गए, तो हमारा प्रोफेज हो गया खत्म और स्टार्ट हो गया मेटाफेज। अब मेटाफेज में हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात की थी बेटा कि ये क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं मेटाफेज प्लेट में, मेटाफेज प्लेट पे हो गए अलाइन, इनके साथ स्पिंडल फाइबर हो गए अटैच, ये हो गया जी हमारा मेटाफेज। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा एनाफेज, जिसमें इन क्रोमोसोम्स ने इन काइनेटोकोर वाली जगह से अलहदा अलहदा होना, जो कि हमारा एक्चुअली थर्ड फेज। तो जैसे ही क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं, कनेक्ट होते हैं ऑन द मेटाफेज प्लेट, हमारा एनाफेज स्टार्ट होता है, और एनाफेज में ये क्रोमोसोम्स मेरा बच्चा काइनेटोकोर वाली जगह से, जहां पर काइनेटोकोर प्रोटीन मौजूद होती है, इन फाइबर्स के थ्रू हो जाते हैं अलहदा अलहदा। फाइबर्स खींचते हैं क्रोमोसोम्स को, आधे क्रोमोसोम्स इधर, आधे क्रोमेटिड्स इधर, क्रोमेटिड्स हो गए अलहदा अलहदा। अब जब ये प्रोसेस हो गया तो हम कहते हैं जी हमारा जो एनाफेज है ये भी इनकम्प्लीशन है, ये भी ऑलमोस्ट हो गया है मेरा बेटा कंप्लीट। जब एनाफेज कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आधे क्रोमेटिड एक पोल पे, आधे क्रोमेटिड दूसरे पोल पे, फ्रॉम हेयर स्टार्ट द टेलोफेज। टेलोफेज के दौरान सारा कुछ रिवर्स होता है ऑफ द प्रोफेज, क्रोमोसोम चेंज हो गए क्रोमेटिड में, क्रोमेटिन मटेरियल में, न्यूक्लियस बन गया, न्यूक्लियोलस बन गया, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो गए, और आपके पास एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस से बन के दो न्यूक्लियस। नाउ दिस इज द स्टेज वेयर द साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स मेरा बेटा। आइए जरा अब साइटोकाइनेसिस को समझ लेते हैं, आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा। भाई हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस इज एक्चुअली द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। एक्चुअली मेरा बेटा साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस के बारे में प्राइमरी बात यह है, बुनियादी बात यह है कि ये प्रोसेस दोनों में, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी होता है डिफरेंट। एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस और तरीके से होती है, और प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस बेटा और तरीके से होती है। दोनों में मेथड डिफरेंट है। मैं यहां आपको यह भी बता दूं कि इन दोनों में मेथड क्यों डिफरेंट है साइटोकाइनेसिस का, क्योंकि एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती और प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल, ये प्रोसेस डिफरेंट होता है साइटोकाइनेसिस का इन बोथ ऑफ द सेल्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब ये जो एनिमल सेल है इनके अंदर बेटा साइटोकाइनेसिस होती है थ्रू अ प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं क्लीविज फरो, ये एक प्रोसेस है, इसके थ्रू साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में होती है। और प्लांट्स में ये प्रोसेस होता है थ्रू अ प्रोसेस जिसको हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। अब हम जरा ये भी समझ लेते हैं कि ये दोनों प्रोसेसेस होते कैसे। देखिए ये है आपका एनिमल सेल, इसको मैं थोड़ा सा इलोंगेटेड करके बनाऊंगा जानबूझ के। अब हमने एनिमेशन के एंड तक ये अंडरस्टैंड किया था कि एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई बन चुके हैं, एक न्यूक्लियाई बन चुका है ये और एक न्यूक्लियाई बन चुका है ये। इस सेल को आप थोड़ा सा ओवल शेप करना चाहें तो कर सकते हैं, इट्स अप टू यू पीपल। हम इसको ऑलमोस्ट ऐसे कर लेते हैं, ऐसे।
ये हमारा एनिमल सेल है, ठीक है जी। अब इसमें होनी है क्लीविज फरो। बेटा मेरा मेरा बेटा क्लीविज फरो का मतलब ये है कि इस सेल की जो मेम्ब्रेन है ना, इसने आप अंदर से दब जाना है, यहां से पिंच हो जाना है, दब जाना है, टिल्ट हो जाना है, अंदर को चले जाना है। इस प्रोसेस को बोलेंगे क्लीविज फरो। ये जो जब अंदर को दब जाएगी ना, तो जो ये स्ट्रक्चर बनेगी उसको बेटा हम क्लीविज बोलते हैं। ये कुछ इस तरह से होता है, यानी जो आपकी मेम्ब्रेन है वो दरमियान में से कुछ इस तरह से मेरे बेटा दब जाती है, पिंच हो जाती है, और हम बोलते हैं अब हो रही है भाई क्लीविज फरो। तो न्यूक्लियस तो पहले डिवाइडेड है, एक न्यूक्लियस इधर एक न्यूक्लियस इधर है, ये मेम्ब्रेन मजीद दब जाती है, पिंच हो जाती है, और इसके मजीद दबने और पिंच होने की वजह से अल्टीमेटली बेटा क्या होता है कि ये एक सेल इधर और एक सेल इधर इस तरह से एक सेल से बन जाते हैं दो सेल। नाउ दिस इज द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स। अब बेटा एनिमल्स के केस में ये होता है कि एनिमल्स में ये वाला प्रोसेस साइटोकाइनेसिस का फ्रेग्मोप्लास्ट के थ्रू होता है। फ्रेग्मोप्लास्ट के थ्रू ये इसलिए होता है क्योंकि एनिमल्स का जो सेल है उसके अंदर मौजूद होती है सेल वॉल, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये हमने बना लिया एक एनिमल सेल, ठीक है, प्लांट सेल सॉरी, और प्लांट सेल में हमने ये अपने दो न्यूक्लियाई भी बना लिए, एक न्यूक्लियस यहां बन गया, एक न्यूक्लियस यहां बन गया। अब ये क्योंकि अभी इमेच्योर सेल है, अब डिवीजन के प्रोसेस में है, तो इसमें हमने वैक्यूल नहीं बनाया फॉर कन्वीनियंस, ठीक है। फ्रेग्मोप्लास्ट के केस में क्या होता है कि प्लांट के अंदर एक ऑर्गेनेली होता है बेटा, उसको बोलते हैं गोल्जी अपरेटस। ये जो गोल्जी है ये कुछ वेजिकल्स बनाना शुरू कर देता है, कुछ पैकेट्स बनाता है, वेजिकल्स बनाता है, और वो पैकेट्स वो वेजिकल्स बेटा यहां पर ना दरमियान में सेल के दरमियान में ऐसे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये वेजिकल्स इकट्ठे होते रहते हैं सेल के अंदर, न्यूक्लियस तो पहले से ही बने हुए हैं, दो न्यूक्लियाई मौजूद हैं, ये वेजिकल्स बनते रहते हैं और वेजिकल्स बन के यहां पे ऐसे करके इकट्ठे होते रहते हैं। अब वेजिकल बन रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, वेजिकल बना रहा है गोल्जी, गोल्जी उनको भेज रहा है दरमियान में, ये दरमियान में वेजिकल्स इकट्ठे हो रहे हैं। इन वेजिकल्स के बनने से ये एक दीवार क्रिएट हो जाती है यहां पर बेटा, इस दीवार को कहते हैं फ्रेग्मोप्लास्ट। द वॉल क्रिएटेड बिटवीन द प्लांट सेल ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस बाय द वेजिकल्स ऑफ गोल्जी इज कॉल्ड फ्रेग्मोप्लास्ट। जब ये फ्रेग्मोप्लास्ट कंप्लीटली बन जाती है ना, तो ये सेल वॉल की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और जब ये सेल वॉल बन जाती है बेटा, तो फिर हमारे ये दोनों सेल हो जाते हैं अलहदा अलहदा। ये हमारा सेल हो जाता है अलहदा, एंड दिस सेल आल्सो गेट्स सेपरेटेड। दोनों की अपने अपने सेल वॉल्स और दोनों का अपना अपना न्यूक्लियस। आप इसको थोड़ा कलरफुल बनाना चाहें तो आप सेल वॉल के अंदर इस तरह से सेल मेम्ब्रेन भी शो करवा सकते हैं, इट इज अप टू यू पीपल, इट वुड लुक अ बिट बेटर टू डू दिस, ठीक है जी। तो ये है हमारा फर्क साइटोकाइनेसिस का इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब मैं ये चाहता हूं कि हम इसी चीज को, जिस तरह हमने माइटोसिस का, कैरियोकाइनेसिस का ओवरऑल प्रोसेस विजुअली देखा, इसको भी हम थोड़ा सा विजुअली अंडरस्टैंड करें। जैसे मैंने आपको समझाया, ये प्रोसेस दोनों में डिफरेंट है, एनिमल्स में डिफरेंट है, प्लांट्स में डिफरेंट है। एनिमल्स में क्या होता है, एक सेल ने दरमियान से दबा, सिंपली अलहदा अलहदा हो गए, दो सेल बन गए क्लीविज फ्रो के थ्रू। जो हमारे दोनों सेल्स बने उनको हम कहते हैं जी डॉटर सेल्स। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस, खत्म होगी बात। प्लांट्स के अंदर देखिए थोड़ा सा फर्क ये है कि प्लांट्स में ये दरमियान में ऐसे करके एक लाइन बनती है जिसको कहते हैं फ्रेग्मोप्लास्ट, और उसकी वजह से ये जो प्लांट सेल है ये एक से दो में कुछ इस तरह से हो जाता है सेपरेट। अगेन जो दोनों सेल्स बने उनको हम कहते हैं डॉटर सेल्स, और इन डॉटर सेल्स के बनने के साथ ही हमारा ये जो प्रोसेस है साइटोकाइनेसिस का इन द प्लांट्स, ये भी हो जाता है खत्म। सो आज के लेक्चर में हमने माइटोसिस को कर लिया बेटा कंप्लीट। इन द प्रीवियस लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट कैरियोकाइनेसिस, आज हमने बात कर ली साइटोकाइनेसिस की, तो हमारा माइटोसिस कंप्लीट हो गया है। आपका कोई सवाल हो तो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।